अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरीबा और आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। आज मैं आप सबके लिए जबरदस्त किस्म का टोटका लेके आई हूँ। ये एक सीक्रेट नुस्खा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये स्पेशल उनके लिए जिनको खांसी का मसला है। इंशाल्लाह अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं। हमें इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर 2 अदद देसी अंडे शामिल हैं और 2 चम्मच ही देसी घी, और साथ में मैंने 2 चम्मच चीनी ले ली है। ये टोटका सिर्फ देसी घी और देसी अंडों से तैयार होगा। अगर आपके पास देसी अंडा नहीं, आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। अगर आप एक अंडे का बनाना चाहते तो 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच देसी घी इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारा सा पॉट ले लिया है, उसमें मैं देसी घी शामिल करूंगी और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है और इसके गर्म होने का वेट करते हैं। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें मैं देसी अंडे शामिल कर दूंगी और साथ में ही मैं चीनी शामिल कर दूंगी। अब मैं हल्की आंच में मिक्स करते हुए पकाऊंगी। आंच मैंने इसलिए ही काम रखी नहीं है ताकि ये जले ना, और 10 सेकेंड के लिए मैंने चम्मच लगातार चलाया है और देखिए मैशर से ये कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसे इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और हलवे की तरह फॉर्म में आ जाए। आप इसे एक किस्म का अंडों का हलवा भी कह सकते हैं और ये खांसी के लिए ज़बरदस्त इलाज है। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह कुक हो गया है। और अब हमने इसे मज़ीद नहीं पकाना क्योंकि ये इस तरह और हार्ड हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा खांसी का मसला है आपने इसे सोने से पहले इस्तेमाल करना है। जब आपने ये खा लेना उसके बाद कोई दूसरी चीज़ नहीं लेनी क्योंकि इस तरह इसका असर ख़त्म हो जाएगा। खाने के फौरन बाद ही आपने लेट जाना और सो जाना है। अगर आपको ज़्यादा खांसी का मसला है तो आप इसे 3 या 4 दफ़े इस्तेमाल करें, आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसी बात मुझे लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।